शेखपुरा जिला, अरे माई खटाओ ना, शेखपुरा जिला में कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है, उनके प्रति आभार प्रकट करने का कार्यक्रम है। इसके बाद शेखपुरा से हम लोग जाएंगे नवादा, नवादा जिला में भी कार्यक्रम लगा हुआ है। इतने हमारे जनता दल के साथी हैं, इतने कार्यकर्ता हैं, आप जानते हैं मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन में रहा हूँ, तो मेरे मंत्री बनने से हमारे जितने संगठन के साथी हैं वो सब चाहते थे कि पटना में आकर के हमको वो बधाई दे। तो मैंने समझा कि नहीं, वो क्यों पटना में, उनके आने में खर्चा होगा, मैं ही जाता हूँ अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहर में जहाँ भी हैं वो रहेंगे, उनको मिल करके मैं खुद अपनी तरफ से उनको धन्यवाद दूंगा, उनके प्रति आभार प्रकट करूँगा। सबसे अनुरोध करूँगा, बिहार में जो हमारे नेता नीतीश बाबू ने पिछले 16 वर्षों से जो है एनडीए की सरकार चलाई है, हमको भी इस प्रकार से काम किया है, तो संगठन को जो हम लोगों ने बूथ तक सशक्त करने का जो अभियान चलाया था उसमें हमारे साथी और मजबूती से लग जाएं और इसमें हमारा पूरा सहयोग उनको रहेगा। बिहार में स्ट्रीट प्लांट भी नहीं है सर, सर का प्रयास कुछ रहेगा, ये सारे चीज़ें तो अभी बने हैं मंत्री, सब चीज़ का देखेंगे। तो जितना भी देखिए, सबसे पहले क्या होता है, केंद्रीय मंत्री होता है तो उनका दायित्व होता है कि भाई जो जिस सेक्टर के मंत्री हैं उसका विकास हो और खास करके जो जनता है उसका लाभ मिल सके। और निश्चित रूप से चूँकि हमारा बिहार एक पिछड़ा हुआ प्रदेश रहा है पहले, हमारे नेता ने काम किया, यहाँ बहुत जरूरी है कि हमारा जो इस प्रकार का जो उद्योग वगैरह लगना, तो निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। बिहार में सर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इस पर सर का क्या पहल होगी? हमने बताया ना आपको कि देखिए एक बात जरा जान लीजिए, बेरोजगारी कैसे दूर करें। बेरोजगारी दूर करने का एक तरीका ये होता है कि जो यहाँ के लोग हैं उनको जो है आप शिक्षित करिए, उनको प्रशिक्षित करिए और उनको स्किल दीजिए। और आप आज देख रहे हैं कि आपका शेखपुरा ही जिला है, पहले यहाँ कोई सोचता था इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, आज यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, आपको पॉलिटेक्निक भी है, हर एक सब्जेक्ट में ITI भी है, लड़कियों के लिए NM स्कूल भी है, JNM स्कूल भी है, और जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है आगे आने वाले जिले में, देखिए हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज भी खुलने जा रहा है। तो हमारे नेता ने देखिए हर एक पंचायत में तो हाई स्कूल खोल ही दिया है, साथ ही किस प्रकार से तकनीकी शिक्षा में हमारे बिहार के लोग आगे बढ़े इसमें वो कर रहे हैं, और किस प्रकार के शिक्षित लोग हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको रोजगार के अवसर। सर हाई स्कूल खुले जरूर है मगर शिक्षकों की कमी है। देखिए वो एक प्रक्रिया है, देखिए पहले होता क्या है कि आपने खोल दिया और उसमें शिक्षक भी आएंगे और उसमें गुणवत्तापूर्वक शिक्षा भी। सर राष्ट्रीय पार्टी का नाम जानते हो? क्या नाम है इस पार्टी का नाम क्या है? जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यू एकीकृत। यहाँ कोई नहीं है यार, यहाँ एक नेता नीतीश बाबू नेता, सब आप लोगों के सहयोग। बहुत बहुत थैंक यू।